तो रुक करते अगली खबर मथुरा की ओर, जहां मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 35 लाख की अवैध शराब के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार। मथुरा छाता के थाना कोसी कला की पुलिस चौकी कोटवन पुलिस ने चेकिंग के दौरान पंजाब मार्का की अवैध शराब को पकड़ा है। राजस्थान में तस्करी के लिए जाते वक्त ट्रक को जब्त कर लिया। इस दौरान दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान लक्ष्मण भारती और महेंद्र निवासी राजस्थान के रूप में हुई। दोनों तस्करों से पूछताछ में पता चला कि वह शराब को चंडीगढ़ से राजस्थान बाड़मेर ले जा रहा था। ट्रक के अंदर 250 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई है। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की लागत 35 लाख रुपये बताई जा रही है। देखिए, आज दिनांक 5/1 को कोसी पुलिस से सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब भर करके उसको जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी लगाई गई थी, जिसमें चेकिंग हो रही थी। इसमें एक इनको कंटेनर पकड़ में आया, जिसमें कि 250 पेटी इंग्लिश शराब, जो जिस पर चंडीगढ़ का मार्का लगा हुआ है, वो बरामद हुई। इस शराब से संबंधित ये लोग कोई प्रपत्र नहीं दिखा सके। जो कंटेनर था उस पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके की नाम जो है लक्ष्मण और महेंद्र हैं। ये दोनों जो हैं राजस्थान के रहने वाले हैं। इस पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने की लागत होगी इसकी? बरामद शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपये है, और इसको जब्त करके अग्रिम कार्रवाई की। कब से शराब का लगातार काम करना है? देखिए, ये सब चीज़ें पूछताछ का विषय है।